ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और अब बारी छत्तीसगढ़ की है। विष्णु राज सीएम के साथ, दो डिप्टी सीएम भी आज शपथ लेंगे। बड़ी खबर, कोई मंत्री शपथ नहीं लेगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश में भी किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली, बल्कि अब अलग से सेरेमनी होगी मंत्रियों के लिए। मंत्रियों का शपथ ग्रहण कब होगा, अभी इसके लिए इंतजार थोड़ा और करना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश की ही तरह कोई भी मंत्री शपथ नहीं लेगा। और आप देखिए, आपको उस वक्त की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब अपनी मां का आशीर्वाद विष्णुदेव साय लेते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने टीका लगाया मां ने अपने बेटे को, और ये जीत का टीका है, ये विजय का टीका है, ये आशीर्वाद है मां का अपने बेटे के लिए। राममय हो चुकी है पूरी छत्तीसगढ़। उसकी भी एक झलक आप देखिए, मंच की तस्वीर देखिए। मंच को हालांकि डिवाइड किया गया है, तीन मंच बनाए गए हैं। एक मंच पर प्रधानमंत्री, दूसरे पर जो मेहमान आएंगे वो रहेंगे, और फिर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण तीसरे मंच पर होगा। फिलहाल आपको बता दें कि 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, और 4 बजे इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम खास मेहमानों को जो आमंत्रित किया गया है, उनमें से आधे से ज्यादा मेहमान पहुंच भी गए हैं छत्तीसगढ़। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो भोपाल से रवाना हो चुके हैं रायपुर के लिए। वो रायपुर पहुंच भी जाएंगे, बहुत जल्द पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। और उससे पहले उत्साह और जोश कार्यकर्ताओं के बीच आप देखिए, राममय हो चली है पूरी छत्तीसगढ़। हनुमान जी को आप देखकर समझ सकते हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। एक तरफ आपको विष्णुदेव साय के सियासी सफर के बारे में भी दिखा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक के चेहरे, अरुण साव, विजय शर्मा, जो कि दोनों डिप्टी सीएम होंगे, और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री होंगे। सियासी सफर भी आप देख लीजिए, काफी दिलचस्प रहा है विष्णुदेव साय का सियासी सफर। 1990 में तपकरा से वो विधायक रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें विष्णुदेव साय के सियासी सफर की, तो 99 में रायगढ़ से सांसद चुने गए वो। हालांकि राजनीति का तो बहुत लंबा अनुभव है विष्णुदेव साय के पास, छत्तीसगढ़ की कमान वो कैसे लेते हैं अपने हाथ में पूरे तरीके से, ये देखना अभी बाकी है। तो बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर डाल तो दी गई है बीजेपी द्वारा, आखिर निर्वहन कैसे होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनौतियां कम नहीं है, चुनौतियां बहुत सारी हैं, और उन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे, कैसे अपनी जगह बनाएंगे, कैसे वो हर एक काम करेंगे जिसकी ज़रूरत वहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, कैसे किसानों को खुश करेंगे, कैसे आदिवासियों को खुश करेंगे, कैसे नक्सलवाद पर नकेल कसेंगे, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो लंबे वक्त से चले आ रहे हैं। सियासत उस पर हम खूब देखते आ रहे हैं। वहीं झीरम कांड की जांच की बात हो, इस पर भी जो है लगातार हम बहस देखते हुए आ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू रहेंगे, मुद्दे रहेंगे जिन पर आगे जाना, जिनसे निपटना, ये बहुत सारी चीजें होंगी। डिप्टी एडिटर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सरकार बननी जा रही है आज बड़ी जिम्मेदारी जो है कंधों पर, विष्णुदेव के साय के कंधों पर पड़ने जा रही है। कितनी बड़ी इसे चुनौती हम माने, क्योंकि आसान नहीं होगा, कंधों पर बोझ बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं, किसानों को खुश करने की, वहीं आदिवासियों की हम बात करें, नक्सलवाद की हम बात करें, झीरम कांड की जांच की हम बात करें, तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, कैसे पार पाया जाएगा, कितनी बड़ी चुनौती। अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, आप तो ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, और मुझे कुछ याद आ रहा है, लगभग शायद 5 महीने पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और नारा उन्होंने दिया था, बदल बो बदल बो, और उस नारे के बाद आज उसी ग्राउंड में फिर से इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उस दिन तो उत्साह चरम पर था ही था, क्योंकि इतनी बड़ी सभा थी, पीएम पहुंचे हुए थे, आज भी उत्साह चरम पर है, और उसी मैदान में वो जो नारा दिया था वो सही साबित हुआ। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी उसी टैगलाइन पर चलती रही, जितने भी सभाएं हुए, जितने भी प्रचार वाहन थे, सभी पर सिर्फ एक ही नारा और एक ही धुन बजता था कि अब नहीं सही बो बदल के रही बो। और आज जो नारा बीजेपी ने दिया था वो साकार भी हुआ, कार्यकर्ताओं को उत्साह करने वाला ये नारा था, जोश भरने वाला था,
नारा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी सभाएं यहां पर की, ताबड़तोड़ उन्होंने सभा की और हर मंच से उन्होंने खुद ये कहा था कि अब नहीं सही वो बदल के रही वो, और ये नारा जो है फलीभूत भी हुआ, बीजेपी को फला भी। तो आप देख सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की बयार है वो दिख रही है साफ तौर पर। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित है और अपने जन नेता उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लगभग 50,000 से भी अधिक जो सिटिंग व्यवस्था है वहाँ साइंस कॉलेज मैदान पर की गई है और सभी वहाँ आना चाहते हैं। एक एक कार्यकर्ताओं को पहले निमंत्रण खुद देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और एक एक कार्यकर्ताओं ने निमंत्रण। हाँ ठीक है, युगल आपके पास दोबारा से आएंगे। अभिषेक एक बार फिर से डिप्टी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जो दूर दूर तक रेस में नहीं थे आज वो चर्चा में है, विष्णुदेव साय की आज ताजपोशी होगी, क्या तैयारियां? बिल्कुल तैयारियां देखिए बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं, इंतजार बस प्रधानमंत्री मोदी का और उनके मेहमानों का। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री लगातार रायपुर पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री लगभग 3:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और तैयारियों की जहाँ तक बात है, 3 मंच बनाए गए यहाँ पर। एक मुख्य मंच है जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, उनके साथ विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री और अन्य राज्यों के आए मुख्यमंत्री होंगे। तो दूसरी तरफ जो डोम है उसमें विधायक रहेंगे, जो छत्तीसगढ़ के जीत कर आए हुए विधायक हैं वो विधायक होंगे। और एक मंच साधु संत और समाज प्रमुखों के लिए बनाया गया है तीसरे मंच में, जहां पर ये साधु संत इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। तो ये 3 मंच है और जहां तक कार्यकर्ता और जनता की बात है तो खासा उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है, वो मोदी के नारे लगा रहे हैं कोई हनुमान के गेटअप में और जबरदस्त उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसी पर दूसरा सवाल मेरा होने वाला था अभिषेक, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, पीछे आपकी धुन सुनाई दे रहा है मुझे, और हनुमान जी के थोड़े पोशाक में भी कुछ लोग आए हुए हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, राममय पूरी छत्तीसगढ़ हो चली है, क्या मायने निकाले? बिल्कुल बिल्कुल राममय हो चला, इसमें कोई शक नहीं है और क्लियर मैसेज भी है। मुख्यमंत्री ने भी जब उनको विधायक दल का नेता चुना गया था उसके बाद अगले दिन की शुरुआत राम मंदिर से की थी, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ इस वक्त राममय हो गया है। राम भजन चल रहे हैं, कार्यकर्ता हनुमान के ड्रेस में है, कोई भगवान राम के नारे लगा रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, पीएम मोदी के नारे लग रहे हैं, तो राममय सभा स्थल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वाकई वाकई राममय तो है ही है सभा स्थल पूरी तरह से। पर यहाँ पर अभिषेक खास बात, यहाँ पर छत्तीसगढ़ खास इसलिए भी बनता है क्योंकि यहाँ पर संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति हमेशा नजर आती है लोकगीतों के द्वारा। हम कई सारे जो लोकगीत गाए जाते हैं यहाँ पर, नृत्य किए जाते हैं, तो ये भी आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे, इसके लिए भी कुछ खास तैयारियां की गई हैं। एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे रितु अपना। संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का बहुत ज्यादा महत्व है और लोग दूर दराज से भी इसकी संस्कृति को देखने के लिए आते हैं, और आज इस संस्कृति को लेकर के आखिर किस तरह की तैयारियां हैं, नृत्य किस तरह के होंगे, लोकगीत किस तरह के होंगे और किस समय होंगे ये सब? देखिए ऐसा कोई कार्यक्रम सांस्कृतिक मंच पे तो नहीं रखा गया, हाँ कार्यकर्ता अपने लोकल ड्रेसअप में पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता जो है वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति के गेटअप में पहुंच रहे हैं और भाजपा के मंच पर भी लिखा हुआ है हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, अटल जी की तस्वीर भी पीएम मोदी के साथ मुख्य मंच पर लगी हुई है। तो सीधा संदेश भाजपा का है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण अगर हमने किया था तो हम ही संवारेंगे भी। तो कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच में ये अटल जी को भी याद किया जा रहा है और भाजपा इस बात को भी एस्टेब्लिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ हमने बनाया था और छत्तीसगढ़ को हम संवारने का काम भी हम ही करेंगे। देखिए साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो गया है, वो मंच पर पहुंच रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, तो ये बड़ा भव्य समारोह होगा और कई अलग अलग जो है झलक भी संस्कृति की यहाँ पर देखने को मिलेगी। भगवामय है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जय श्री राम के साथ साथ पूरा जो सभा स्थल है भगवा रंग में इस वक्त रंगा हुआ है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं भगवामय से ज्यादा भाजपामय ज्यादा नजर आ रहा है।
भाजपा भाजपा माई कहना इसने इसमें भाजपा माई कहना इससे गलत नहीं होगा अभिषेक। अभिषेक आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक ठीक लौटेंगे फिर से, कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। इसी बीच एक बड़ी खबर की बात हम कर लेते हैं। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर की हम बात करते हैं, आपको अपडेट देते हैं कि आखिर क्या कुछ ये बड़ी खबर है। ब्यूरोक्रेसी में बदलाव हो सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नए मुख्य सचिव के लिए कवायद अब शुरू हो चुकी है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि आईएएस अनुराग जैन का नाम सबसे आगे इसमें चल रहा है। 1979 बैच के आईएएस है अनुराग, और एनएचएआई में सचिव भी है अनुराग जैन, जिनका नाम आगे चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी में ये बड़ा बदलाव कह सकते हैं, पीएमओ में भी रह चुके हैं अनुराग। आशीष उपाध्याय का भी नाम रेस में है, उपाध्याय भी केंद्र में तैनात है, लेकिन मोहम्मद सुलेमान राजेश राजौरी भी इस रेस में है। देखना होगा कि किसका नाम फाइनल होगा। फिलहाल रेस में तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और किन लोगों के नाम रेस में है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ तो केंद्र में अभी भी तैनात है, कुछ जिम्मेदारियों के साथ अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि ब्यूरोक्रेसी में बदलाव में आगे क्या होता है। और एडिटर हमारे साथ सुधीर दीक्षित जी जुड़ गए हैं। सुधीर जी, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं, आखिर किस तरह से इसे देखें? देखिए बिल्कुल, पहले से जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह जी जी देखिए जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी सरकार बनने से पहले भी, और जैसे ही पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का जो रिटायरमेंट हुआ था, उस रिटायरमेंट के बाद से ये अटकलें थी कि मध्य प्रदेश की अगला प्रशासनिक मुखिया जो है वो कौन होगा। उनमें कई नाम यहाँ पर चल रहे थे, उसी तरीके से लगातार ही खबरें चल रही थी। और जिस समय 1988 बैच की जो अधिकारी वीरा राणा जी को ये जिम्मेदारी दी गई है मुख्य सचिव की, लेकिन जो प्रशासनिक भाषा जो थी, जो उनकी नियुक्ति की गई थी, उसका जो आदेश था, उसकी भाषा पे अगर आप गौर करेंगे तो उसमें लिखा गया था कि इनको मुख्य सचिव के अपने मौजूदा जिम्मेदारी के साथ साथ मुख्य सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जाती है। ऐसे में ये जी मुख्य सचिव में भी बदलाव होगा, और उनमें अभी जो नाम चल रहे हैं उनमें अनुराग जैन जो अधिकारी सीनियर आईएएस अधिकारी, उनका नाम इसमें चल रहा है। और अभी हालांकि अनुराग जैन केंद्रीय प्रतिनिधि पर है, और उसके बाद जो नाम चल रहे हैं, अगर अनुराग जैन पीएमओ में रह चुके, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, और पीएमओ की एक ड्रीम जो प्रोजेक्ट था उसका वो हिस्सा रहे हैं, और बहुत आर्थिक तौर पर खास तौर से अनुराग जैन का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त, क्योंकि जो आर्थिक नीतियां होती, आर्थिक नीतियों को समझने में और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को समझने में अनुराग जैन को बहुत महारत हासिल है। और जिस वक्त मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है, जब नए मुख्यमंत्री ने पदभार संभाला है, तो करीबन 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री की योजनाएं, केंद्रीय योजनाएं और राज्य की जो योजनाएं हैं, उनका अगर हम बात करते तो उनके संचालन में अनुराग जैन की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अगर प्रतिनियुक्ति से अनुराग जैन नहीं लौटते तो इन्हीं के जो बैच के आशीष उपाध्याय जो केंद्रीय, ठीक है सुधीर बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री की अब तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच गए हैं, बड़ी खबर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इंतजार हो रहा था, यहां पर कई नेता पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, और प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। जिस घड़ी का हर किसी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है, और प्रधानमंत्री रायपुर पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी, जिसके बाद आप देखेंगे विष्णु देव साय को शपथ लेते हुए, दोनों डिप्टी सीएम को आप देखेंगे मंच पर। और ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत कम वक्त, जब शपथ ग्रहण समारोह देखिए, आपको दिखा रहे ट्वीट, देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी एवं, उन्होंने नाम लिया है डिप्टी सीएम के लिए, राजेंद्र शुक्ला जी को हार्दिक बधाई।
प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में राज्य में डबल इंजन सरकार दोगुने रफ्तार से चलेगी, दोगुने रफ्तार से काम करेगी, विकास के नए प्रतिमान रचेगी, कीर्तिमान रचेगी। इस अवसर पर यहाँ के अपने सभी साथियों को, परिवारजनों को मैं भरोसा देता हूँ, प्रधानमंत्री होने के नाते, कि भाजपा सरकार आपके जीवन को और आसान बना देगी, बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और उन्होंने शुभकामनाएं दी है नए चेहरे को, मोहन यादव को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही डिप्टी सीएम को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे, अब वो रायपुर पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें, सभा स्थल की ये तस्वीरें हैं जहां पर उत्साह से लबरेज ये सभी कार्यकर्ता नेता दिग्गज नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि ये भगवामय माहौल तो है ही है, पर भाजपामय ज्यादा दिख रहा है ये माहौल। और हर हर मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर ये भी सामने है जहां पर हनुमान के भेष में युवक नजर आ रहा है और आसपास सभी लोग खड़े हैं और हनुमान के जय जयकार भी करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ भाजपा मय का माहौल बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर आपके सामने जहां पर पूजा पाठ और आशीर्वाद लेते हुए, और बाकी ये तस्वीरें दिग्गजों के पहुंचने की तस्वीरें, किस तरह से दिग्गज पहुंच रहे हैं और विष्णुदेव साय स्थल पर पहुंचे, साथ ही साथ मंदिर में प्रार्थना की शीश झुका करके भगवान का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। तो शपथ ग्रहण समारोह बेहद ही खास आज का, और छत्तीसगढ़ में ये बेहद खास कार्यक्रम रखा गया है और प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं उनकी उनके सामने, और ये शपथ ग्रहण समारोह होगा वो साक्षी बनेंगे इस ऐतिहासिक पल का, बेहद खास पल का, क्योंकि 5 साल के बाद ये वक्त आया है जब फिर से बीजेपी सत्ता में आई है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बेहद आज का खास दिन, एक सीएम, 2 डेप्यूटी सीएम और ये शपथ लेंगे, साक्षी पीएम मोदी बनेंगे। तो आप विष्णुदेव साय को देख रहे हैं जिन्होंने आशीर्वाद तो ले लिया है जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर, और उसके बाद ही यहाँ पर कई दिग्गज नेता भी पहुंच चुके हैं, जैसा कि युगल मेरे सहयोगी बता रहे थे, संवाददाता, कि अमित शाह पहुंच चुके हैं, कई बड़े दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं, गोवा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच चुके हैं, लगभग हर नेता यहाँ पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ और जितने भी नेताओं को आमंत्रित किया गया था सब पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के। हालांकि जो विशेष मेहमान है वो है यहाँ की जनता, विशेष मेहमान भी, जनता भी यहाँ पहुंच चुकी है। और साथ ही अगर हम कहें कि इंतजार था प्रधानमंत्री का, वो घड़ी अब आ गई है, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। युगल लगातार जुड़े हैं, युगल अभी क्या हालचाल है एयरपोर्ट पर और कौन यहाँ पर पहुंचने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहुंच गए रायपुर। जी बिल्कुल, देखिए अधिकांश जो वीवीआईपी जो नेता हैं, मेहमान हैं, सभी लगभग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन छत्तीसगढ़ हो चुका है, कुछ देर बाद मंच पर जब पहुंचेंगे उसके बाद जो मुख्य समारोह है वो शुरू होगा, और जिस पल का सभी को इंतजार था, जैसा कि आपने पहले भी कहा है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में सभी जो यहाँ के मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी को विशेष तौर पर निमंत्रण दिया गया है और उनमें ऊर्जा का संचार है। जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पे कि बीजेपी के कार्यकर्ता शहर से लेकर के ग्रामीण अंचल तक, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कल रात से ही पहुँचना शुरू हो गया था। कोंटा से लेकर के, कोंटा बस्तर से लेकर के सरगुजा तक के, राजनांदगांव सर के लेकर के रायगढ़, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिसने अपना यहाँ पर खूब पसीना बहाया है, 5 साल के वनवास को खत्म करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हम सब युवाओं में उत्साह है, आने वाले लोकसभा में भी मोदी जी के विश्वास को लेते हुए और उनकी जो गारंटी जो उन्होंने दिया था, उन सब वादों को पूर्ण करते हुए
एक बार फिर लोकसभा में हमारे सारे 11 के 11 लोकसभा के सदस्य जीत के जाएंगे और मोदी जी वापस दोबारा प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं, किस लिए आए हैं आप शपथ ग्रहण समारोह में? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिलने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज शपथ ग्रहण समारोह में होना है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चलेगी और जो 5 साल में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने कुशासन से यहाँ इस राज्य को पीछे कर दिया है, वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। विकास की नई दिशा देने वाली सरकार आई है, इस तरीके से युवाओं का कहना है। आप एक बार फिर दिखाएंगे हम इस ओर की किस तरीके से युवाओं में उत्साह है, युवा पहुंचे हुए हैं काफी बड़ी संख्या में। आप देख सकते हैं दूर तक के नजर आए, जहां तक जा रही है वहां तक लोगों की भीड़ है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णु देसाई जिंदाबाद के नारे यहां पर लग रहे हैं। महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है, खासा उत्साह है। छत्तीसगढ़ में 2023 में भाजपा ने 54 सीटों के साथ भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। हम यहाँ पे महिलाओं से बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी है, इसको कैसे देखते हैं आप? हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है और इसमें यानी महिलाओं के लिए और ज़्यादा हमारे मोदी जी और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और हमारे यहाँ के जो मंत्री लोग हैं आगे और हम महिलाओं के लिए करेंगे। महिलाओं के लिए क्या उम्मीदें हैं अब आप लोगों को? भाजपा की सरकार आ गई है, भाजपा की सरकार आई है, अब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। इससे पहले जो भी कांग्रेस की सरकार रही है भ्रष्टाचार की सरकार रही है, अब हमारी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और हमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है। महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना मिलने वाला है, घोषणा की थी भाजपा ने, वो अब पूरा होने वाला है कहीं ना कहीं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी सरकार आई है तो महिला को हर महीना 12,000 पैसा चाहिए और महिला को लिए सुरक्षा ही चाहिए। चलिए हम आपसे बात करते हैं, आज सरकार बन रही है, सीएम शपथ ले रहा है, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। बहुत ही खुशी की बात है, 5 साल के कांग्रेस के कुशासन के बाद आज यहाँ सुशासन का कमल खिला है छत्तीसगढ़ में। हम युवा 5 साल बहुत ही हतोत्साहित थे क्योंकि हम 4-4, 5-5 साल से मेहनत करते थे किसी भी नौकरी के लिए। छत्तीसगढ़ का युवा उसको ठगा जा रहा था, अपने रिश्तेदार, अपने घर के लोग, सिर्फ कांग्रेस के लोगों को या और उनके परिवार के लोगों का भर्ती किया जा रहा था। ये है, ये युवाओं में उत्साह है। आप उधर कैमरा दिखाएंगे कि किस तरीके से भाजपा का एक तरीके से कमल फूल का झंडा, बीजेपी का झंडा फहराया जा रहा है लोगों में। एक हर जगह पे कटआउट बना हुआ है, तमाम संगठन के बड़े नेता हैं उनका कटआउट बना हुआ है यहाँ, हर तरीके से समर्थक यहाँ पे पहुँचे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इसमें जो युवाओं को ठगने का काम किया था जो कांग्रेस सरकार ने, वो अब युवाओं को ठगा नहीं जाएगा। चलिए बिल्कुल, विकास की नई दिशा मिलने वाली है छत्तीसगढ़ को, यहाँ से शुरू होगा बीजेपी सरकार का जो कारवा है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से सरकार गठन एक तरीके से हो जाएगा, मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। आप देखिए किस तरीके से उत्साह और भीड़ जो देखा जा रहा है, पुलिस बल तैनात है, युवाओं में कहीं ना कहीं व्यवस्था एक तरीके से पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन तमाम वो भीड़ है कहीं ना कहीं मोदी जी को सुनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनना चाहते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ भगवामय हो चुकी है और युगल भी लगातार जुड़े। युगल, क्या हलचल एयरपोर्ट पर? युगल जी बिल्कुल, देखिए अब जो अतिथि हैं वो लगभग आ चुके हैं और सभी जो सभा स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। अब इंतजार है सिर्फ समारोह का, जब समारोह होगा शपथ ग्रहण होगा और जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, ठीक उसी तरह की यहाँ भी चर्चा है कि 2 डिप्टी सीएम हैं, बनाया जाएगा। फिलहाल बीजेपी की जो पूरी तैयारी, सिक्योरिटी कितनी टाइट है क्योंकि पंछी भी पर ना मार पाए, ऐसी सिक्योरिटी की गई है छत्तीसगढ़ में, कहा जा रहा था। एक बार एयरपोर्ट की अगर तस्वीर आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए जरूर। जी बिल्कुल, मैं
देखिए इस वक्त तो मैं मौजूद हूं और यहां पर एयरपोर्ट में आज जिस तरह से जो तस्वीर है, अब फिलहाल अभी यहां पर तमाम जो वीवीआईपीस हैं वो यहां चले गए हैं, कुछ चुनिंदा पुलिस कर्मचारी हैं और लगे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग ड्यूटी सुरक्षा कर्मियों की लगाई गई थी। अब आईएएस अधिकारियों को उनके नोडल अधिकारी बनाए गए थे और साथ ही साथ जो सुरक्षा बल तैनात किया गया था अब वो वीआईपी को लेकर के मूवमेंट हो चुके हैं और यहाँ पर जब वापसी होगी, जब रवाना होगा यहाँ से कार्यक्रम के बाद, तो सभी वीआईपीज हैं वो पहुँचेंगे, सुरक्षा बलों के साथ पहुँचेंगे और इस तरह के बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है कि कोई बाहरी व्यक्ति है जिन्हें यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होगा। युगल, रूट डायवर्जन किया गया है, पार्किंग की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा अलग अलग जगहों पर की गई है, इसके बारे में कोई जानकारी आप अगर दर्शकों के लिए साझा कर सकते तो जरूर कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हम अपने तमाम दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि 50,000 से अधिक लोग उस ग्राउंड पर पहुंचेंगे, परिवार जो मंत्रिमंडल में जो शामिल होंगे उनके परिवार के लिए, जो विधायक हैं उनके परिवार के लिए, वीवीआईपीज के लिए अलग अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो आरकेसी जो रोड है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, किसी तरह के भारी वाहन की प्रवेश पूरी तरह से निषेध है, 15 गेट बनाए गए हैं और उन 15 गेटों के माध्यम से अलग अलग जो जिले के जो लोग हैं कार्यकर्ता